चैनल का बट गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं एंड सो के उठ गए हैं। नाश्ता वगैरह भी जो है कर लिया है हमने, और कल मेरे टाइम तक रात में काम कर रहा था, मेरे आँखें भी दर्द कर रहे हैं। देखो अब मेरे आँखें देख रहे हो लोगे, पूरे लाल लाल हो गए यार। लेट नाइट तक काम किया तो सुबह से आँख में थोड़ा सा दर्द तो चल हो गया। खैर कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा ठीक, जैसे नहा के आऊँगा वैसे ठीक हो जाएगा। तो गाइज आज हमें करना है हमारे कल वाले केक को डेकोरेट। कल जो हमने केक बनाया था, हमारा एक साल हो गया था चैनल ओपन करके। तो आपने देखा रहेगा पिछले ब्लॉग में कि हमारा एक साल हो गया चैनल ओपन करके, तो उसके सेलिब्रेशन के लिए हमने होम मेड केक बनाया था, हमने घर पे ही केक बनाया था। वो केक काफ़ी लेट बना था, रात को 11:30 बज गए थे बनते बनते। तो उसको डेकोरेट वगैरह अभी तक कुछ भी किया नहीं है, तो आज करेंगे उसको डेकोरेट एंड आज करेंगे उसका सेलिब्रेशन, मतलब आज करेंगे साल का सेलिब्रेशन का केक कट आज करेंगे। फिलहाल जाते हैं नहा धो के आते, उसके बाद मिलते हैं आपसे जब डेकोरेशन करने जाएंगे। अच्छा सो गाइस, मेरे कैमरे को क्या हो गया क्या पता, फोकस नहीं कर रहा है कोई भी चीज़, किसी को भी कर रहा हूँ कुछ भी फोकस नहीं कर रहा, किसी चीज़ को भी फोकस नहीं कर रहा है, क्या हुआ सो क्या पता। अब थोड़ा ठीक है, वो फोकस ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों फोकस कर ही नहीं रहा, किसी भी चीज को फोकस नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों क्या हो गया था। तो अभी ठीक हो गया, तो खैर कोई बात नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मेरा वॉशरूम जो है अभी फ्री हुआ है, क्योंकि तब से कपड़े वपड़े उसमें धो रहे थे, क्योंकि अभी बाहर से आना तो इतने सारे कपड़े सारे धोने वोने में डाले, एंड मुझे थोड़ा सा थर्ड सर्दी हो गया है, पानी चेंज हो गया ना गांव का और यहाँ का, उस वजह से। तो अभी चलते नहाते धोते, देन उसके बाद हमारा केक डेकोरेशन भी चालू करना है, देन उसके बाद केक कट भी कर रहा है, काम काफी सारे हैं। तो फटाफट से चलते पहले जाके नहा के आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, चलो बाय। ओके सो गाइस, नहा धो के आ चुके हैं, अभी चलते हैं फटाफट से अपना डेकोरेशन, मतलब केक का जो भी सामान बाहर निकालते हैं फ्रिज से, क्योंकि फ्रिज में पड़ा है, कल रात से फ्रिज में पड़ा है, तो थोड़ा सा सख्त हो गया होगा कि क्रीम भी फ्रिज में पड़ा है एंड जो हमारा बेस है वो भी फ्रिज में पड़ा है, तो उसको सबको सजाना पड़ेगा। देख रहे हो कितना लंबा चल रहा है भाई, मेरे चैनल का बर्थडे कितना लंबा चल रहा है, कल भी चैनल का बर्थडे था, आज भी चैनल का बर्थडे है, सेलिब्रेशन हो ही नहीं पा रहा है। तो फटाफट से निकालते हैं सारे स्टफ को बाहर निकाल के, थोड़ा टाइम रखते हैं क्योंकि जब मतलब थोड़ा हार्ड हो गया रहेगा, और हम भी कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि फिर से भूख लग रही है। नाश्ता इतना ज़्यादा हैवी करता नहीं हूँ तो भूख लग जाती है मेरे को धीरे धीरे करके, जो अपना काम स्टार्ट करने। चलो हमारा जो बैटर है वो हल्का सा थोड़ा सा ठंडा, मतलब जो ज़्यादा ठंडा था मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, एंड हमारी जो क्रीम है वो भी थोड़ी सी मतलब स्टेबल कंडीशन में आ गया। तो अभी इसको ऊपर से थोड़ा सा कट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लग गया है, ये नीचे साइड वाला एरिया है जो नीचे साइड में था, ये वो वाला एरिया है, एंड जो ऊपर साइड में था वो वाला नीचे। क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? दोस्तों थोड़ा सा कट करेंगे इसके ऊपर ही डेकोरेशन। गाइस मैंने इसको कट कर दिया है, ऊपर से भी हल्का कट कर दिया है, थोड़ा सा स्लांट हो गया, मतलब हल्का सा ऐसा टेढ़ा सा। इसको मैं बरोबर करने जाऊंगा तो मालूम पड़ा इधर से बरोबर किया फिर इधर का थोड़ा सा ऊपर हो गया, उधर से बरोबर किया फिर इधर का थोड़ा सा ऊपर हो गया, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। खैर फिर भी बिगिनर है, लाइफ में पहली बार केक बनाया तो भी कितना ठीक बन गया है केक देखो। और बीच में मैंने इसे होल्ड कर दिया, इसमें पूरा ही हर्शीज का पूरा सिरप भर दूंगा ताकि जब केक काटे तो पूरा जो आता ना चॉकलेट स्प्रेड करके, याद है ना अपना रिबन्स एंड बलून्स का चोकोलावा, वैसा होगा, मतलब वैसा तो नहीं बनेगा बट ओके ओके एवरेज वहां तक तो एटलीस्ट आ ही जाएगा। तो ये हमारी जो क्रीम है उसको डाल देते इसके अंदर, कल तो बहुत लिक्विड टाइप बन गई थी, अभी थोड़ी सी ठीक है, फ्रिज में डालेंगे तो शायद से सेटल हो जाएगा। अब इसको पूरा इससे वो करते हैं, पूरा कवर करेंगे इससे पूरा। केक लग रहा है देख, एकदम प्रॉपर केक। ओके सो गाइस, पूरे क्रीम से हमने कर दिया, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था बट उससे उतना अच्छा बन गया है। अभी इसको जब ये जम जाएगा तो और ज्यादा अच्छा दिखेगा, अंदर पूरा चोको है, हर्शीज सिरप,
और बाहर से। ऊपर से यार अगर मैं बिगिनर हूँ और अगर मैं ये बना दिया हूँ तो भाई ये 100 out of 100 है। मैंने आज तक कुछ भी नहीं बनाया। केक देखो यार, मतलब एकदम प्रॉपर केक लग रहा है, एकदम प्रॉपर 19-20 का फर्क रहेगा, बट भाई लग रहा है एकदम कड़ाई है। इसको इससे डेकोरेट करते हैं, बट क्या क्या डेकोरेट करें? 1 लिखे बीच में ऐसा 1 लिख देता हूँ, बाकी ऊपर पैसे किनारे पे लगा केक का जो डेकोरेशन है वो पूरा हो गया है, वो अभी आपको बताएंगे नहीं। एक्चुअली वो बता भी देते हैं आपको, बट वो चीज़ ऐसी हुई कि शूट होते होते मेरा फ़ोन अचानक से बंद हो गया, मतलब स्टोरेज का इशू हुई तो शूटिंग बंद हो गई। तो स्टोरेज के इशू से थोड़ा ज़्यादा डील कर रहा हूँ मैं, मुझे सब चीज़ में प्रॉब्लम होती है। मेरा व्हाट्सअप, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा कैमरा कुछ भी खुलता नहीं। जब मेरा स्टोरेज का इशू होता मेरा कुछ भी नहीं खुलता। और 3-4 दिन से तो मेरा स्टोरेज का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। जुगाड़ करना पड़ेगा अभी, कब तक इसको स्टोरेज का इशू कब तक लेके चलते रहेंगे। करेंगे बहुत जल्दी इसका जुगाड़। अभी फिलहाल के लिए तो उसको रिफ्रिजरेटर में रख दिया है थोड़ा सा सख्त होने के लिए। गाइस अभी मैं शूट कर रहा था, अभी फिर से बंद हो गया रहेगा। आपने देखा रहेगा बीच में से एकदम सट्ट से एकदम क्रॉप आया रहेगा, तो वो फिर से बंद हो गया था मेरा वीडियो शूटिंग। मेरा बहुत ज़्यादा स्टोरेज का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरा धीरे धीरे करके। वो पहले होता ना सैमसंग के पहले के फ़ोन में होता था, जितना स्टोरेज कम करो उतना स्टोरेज और मांगता है। मैं जितना कम कर रहा हूँ उतना स्टोरेज मांग रहा है। जैसे समझो 5 GB भरता है। एक और क्रॉप था आपने देखा, अभी मैं बोलते जा रहा था, बोलते बोलते ही कट गया वीडियो। पता नहीं क्या स्टोरेज का इशू कितना हो रहा है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और उसका इलाज क्या है वो नहीं समझ में आ रहा मेरे को। जितना स्टोरेज कम कर रहा हूँ, अभी मैंने तकरीबन मैंने समझो ना 32 क्लिप्स डिलीट किए हैं अभी, मतलब ट्रांसफर किया फिर डिलीट किया, अब फिर और डिलीट किया मैंने वीडियो। पता नहीं कि स्टोरेज का इशू क्यों इतना हो रहा है। जल्दी से जल्दी इसका सलूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा इससे। A few moments later. So guys, अभी सो के उठाऊँ एंड अभी टाइम हो रहा है 6, मतलब काफी टाइम से उठ गए हैं, से बातचीत वगैरह कर रहे थे घर पे, तो वही चीज तो उठ गए हैं। अभी चलते हैं थोड़ा सा काम वगैरह करते हैं, देन उसके बाद चाय नाश्ता वगैरह करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे हमारा केक कहाँ तक पहुँचा। अभी तक देखा नहीं, सुबह से जो रखा है उसको अभी तक मैंने देखा नहीं, उसका कंडीशन क्या है, जमा है नहीं जमा है। हालांकि जम जाना चाहिए क्योंकि क्रीम वगैरह जल्दी जम जाती है, तो देखेंगे निकाल के बाद में। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद चाय नाश्ता वगैरह करेंगे, देन उसके बाद निकालेंगे लास्ट में 7-8 बजे के आसपास निकालेंगे। हमें 6 बजे 2-1 घंटा और रहने दो अंदर, ताकि अच्छे से जम जाए, उसके बाद निकालेंगे एंड जो है सेलिब्रेशन ऑन करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही गाइस, मिलते हैं थोड़े टाइम बाद। ओके सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7:30-8 बज रहे हैं। केक जो है अभी निकाल के देखा था दक्षिण, और मैंने सेटल हो गया है, बट वो उसके बीच का जो है ना, बीच का अभी तक सेटल नहीं हुआ क्योंकि बीच में क्रीम का पोर्शन बहुत ज्यादा है, वो सेटल नहीं हुआ, वो अभी भी हिल रहा है ऐसे ऐसे करके। तो हम लोग ने थोड़ा टाइम और रख दिया है, 8:30 बजे तक निकालेंगे, एंड अगर सेटल हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं हुआ रहेगा तो काट देंगे, क्योंकि अभी और इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते भाई। अगर अभी तक नहीं हुआ तो और नहीं होगा वो, और ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। उसको मालूम पड़ा कि ये आज का भी दिन निकल गया कल, और ये वीडियो क्या 3-4 दिन तक तो खींच नहीं सकता मैं सेलिब्रेशन का वीडियो। तो अगर नहीं जमा, नहीं हुआ 8:30 तक नहीं हुआ, तो हम लोग ऐसे ही काट देंगे उसको, कोई टेंशन नहीं है। ओके सो गाइस, दक्ष और मैं निकले हैं, अभी मार्केट जा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि पार्टी पॉपर वगैरह, क्योंकि चैनल का बर्थडे भाई ऐसे थोड़ी मनाएंगे, पार्टी पॉपर वगैरह लेने जा रहे हैं क्योंकि सेलिब्रेशन करेंगे तो पार्टी पॉपर तो भाई, बट ऑब्वियस सी बात है लगता ही है पार्टी पॉपर। तो इसके लिए छोटा, अगर छोटा मिलेगा तो देखते हैं कौन सा दुकान पे मिलता है, क्या है क्या नहीं। और वो पता नहीं क्यों बंदर ऐसा कूद का आ रहा है, क्या सीन है क्या पता है, इसको क्या हो जाता है क्या पता, क्यों कूदते क्यों रहता है तू। खैर कोई नहीं, चलो फटाफट से पार्टी पॉपर ढूंढते हैं, पार्टी पॉपर लेके आते हैं। चलो पार्टी पॉपर्स, फायर क्रैकर्स नहीं, पार्टी पॉपर्स है अंकल। छोटा वाला है, छोटा वाला नहीं है, बड़ा वाला कितने का भाई? इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा वाला चाहिए यार। ओके सो गाइस, पार्टी पॉपर हमको मिल ही नहीं रहा है, मतलब मिल रहा है सब बड़े बड़े भाई, 50-80, एक ने तो बोला 80 रुपए का, 80-90 रुपए, हम बोला 80 रुपए का इतना बड़ा पार्टी पॉपर, आवाज ही नहीं। वो छोटा वाला चाहिए यार हमको, इतना बड़ा नहीं चाहिए, घर पे कचरा होगा, माँ और चिल्लाएगी और पैसा और वेस्ट होगा, तो छोटा वाला चाहिए मेरे को। बट छोटा वाला मिल नहीं रहा है, एक जगह पे मिला बट साला कोई अकड़ के मेरे से बात करे तो मेरे को फिर भले कहीं ना मिले मैं लेता ही नहीं हूँ। तो देख रहे हैं अभी और कहीं जा रहे हैं, 3-4 दुकान देख लिए, 4 दुकान में तो मिला नहीं, अभी कोई 5वीं दुकान पे लेके जा रहे, कहाँ जा रहा है, इस सड़िया ना इधर है,
इधर जाना है आरएसबी रोड किधर है अरे ये अपना खैर कोई नहीं अभी देखते हैं और कोई दुकान पे मिले तो ठीक है क्योंकि पांच चार 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 दुकान हमने देख लिया चारों दुकान में से एक भी दुकान में नहीं मिला छोटा वाला सारे बड़े बड़े दे रहे हैं भाई इतने बड़े बड़े 80-90 रुपए का 80-90 रुपए का क्या करेंगे पार्टी पॉपर यार। ओके तो ये अंकल हमको लेके जा रहे हैं दुकान पे मिल गया हमको उसी रेट में मिला ले लेंगे अभी और क्या बोले हैं हाँ थोड़ा सा तमीज़ भी है बात करने साड़ा वो तो बदतमीजी से बात कर रहा था यार कोई नहीं लेते हैं एक पैकेट लेते हैं हो जाएगा काम एक पैकेट से अपना गोडाउन है गोडाउन है ये पार्टी पॉपर मिल गया नसीब में एक ही था एक ही मिला दो था ही नहीं एक ही मिला तो अभी जा रहे घर के लिए एक 40 का पीस घर पे मिलते हैं घर पे पहुँचते आपसे मिलते हैं अभी पार्टी पॉपर लेके घर पे आए हैं एंड जो भी है सेटिंग कर दिया है पूरा तो ये हमारा लुक है फाइनल केक का बाकी बहुत अच्छा बना है टेस्ट में कैसा है वो देखना पड़ेगा बाकी दिख तो बहुत क्लास रहा है भाई बहुत A1 मतलब क्लासी लग रहा है एकदम ऐसा लग रहा है बाहर से लेके आ गए इसे देखो भाई एक बार नजर डालो यार केक पे वो थोड़ा सा 19-20 से बटा गया साला ऊपर से देखो तो ऐसा लगेगा कोई बाहर से दिखेगा ना दूर से तो उसको लगेगा कि हाँ भाई केक लेके आया है। ओके तो गाइस फाइनली हम अपना केक कट करते हैं एंड जो सेलिब्रेशन है हमारा खत्म करते हैं एक्चुअली सेलिब्रेशन कल से चल रहा है मेरे चैनल का बट किसके हाथ में दे दिया उसके हाथ में दे दिया होता ऐसे करके उड़ा देना ऐसे करके फेंक देना नहीं तो ऐसे करके नहीं कर पाएंगे ये वीडियो करा ये तो गाइस फाइनली जो है केक कट करते हैं बम तो फूट गया तो हैप्पी बर्थडे टू सनी राजा ब्लॉग्स ओ सिस्टम क्या बात है सबसे अनोखा अपना बर्थडे अनोखा रहेगा ये बर्थडे कटिया पूरा चलो भाई अभी एक चॉकलेट एक डक्स देख चॉकलेट के अंदर से कैसा निकल रहा है मतलब एक्सपेक्टेड था ही नहीं इतना एक्सपेक्टेड नहीं था जितना भारी केक बनाया कैसा था केक ए यार क्या केक था वो जेम्स था ना वो जेम्स थोड़ा सा कड़क था बस बाकी क्या केक बनाया यार मैं क्या बोलू क्या ही केक बनाया बेस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं एकदम सॉफ्ट बेस क्या मजबूत केक लगा भाई एकदम और सब अभी जो किया है हमने कारनामा उसको साफ करना पड़ेगा खैर कोई नहीं अभी केक तो बहुत मस्त है यार मैं बाद में खाऊंगा अभी थोड़ी सी इच्छा नहीं हो रही बाद में खाऊंगा केक तो एक क्लास बना है भाई A1 क्लास आपको ट्राई करना तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो भाई बहुत भारी केक बना है तो वही चीज़ है तो गाइस वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू माय चैनल सनी राणा व्लॉग्स चैनल को हैप्पी बर्थडे ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहना ऐसे ही आज तो फर्स्ट बर्थडे था सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टेन ट्वेल्व ट्वेंटी हंड्रेड ऐसे और भी बर्थडे मनाएंगे बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो
अभी फिलहाल के लिए गाइस थोड़ा सा वीडियो लाइव हुई है अभी, तो वीडियो देखते हैं क्वालिटी क्या गई है, एडिटिंग में क्या है, अगर कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा तो जो भी है एनालाइज करते हैं, कमेंट्स वगैरह आएंगे उसके रिप्लाई करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे डिनर में। चलो ओके सो गाइस, डिनर विनर जो है सब कुछ हो गया है। डिनर में था आज हमारे घर पे इडली और सांभर, मेरे चैनल के बर्थडे की खुशी में इडली और सांभर बना रहा है घर पे, तो मस्त से एकदम पेट भर के खा लिया है। अभी जाऊंगा सीधा सोने के लिए, एक्चुअली पेट भर के खाने का नहीं था, मैंने कल ही आज ही डिसाइड किया था कि रात को पेट भर के खाऊंगा नहीं मैं खाना, क्योंकि अगर रात को पेट भर के खाना खाते ना तो सवेरे नींद खुलती नहीं, तो ये एक लॉजिक है उसके पीछे की। डिनर विनर हो गया है, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मिलते अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री। अभी तो खा ली।